आइडिया आया मेरे पास कि आप पे मैं रोस्ट बनाऊँ। एक असल में पीछे एक सीरीज़ चलाई हुई है मैंने। अस्सलाम वालेकुम समो, आई होप यू गुड मैन। हाँ जी बिल्कुल, कंटिन्यू आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। इंशाल्लाह लेट मी नो व्हेन इट्स कंप्लीटेड। This is Awesome speaking. आज हम जिस शख्स पे छुरी फेरेंगे उसका नाम है शावीर जाफरी। आपसे किया हुआ वादा मैं कैसे भूल सकता हूँ। बस ये है कि शावीर की छुरी पे हल्की सी चीनी लगा देंगे ताकि वो मीठी रहे, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि उससे हम गुदगुदी करेंगे। ना जी ना, चलाएंगे और सही चलाएंगे। एक चीज आपने नोट की होगी कि ये बच्चा जमुरा फुदकता बहुत ज्यादा है, यानी कि इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा है। ऐसे बच्चे अक्सर बाजारों में घूम जाते हैं, अपनी माँ से ही नहीं संभाले जाते। शावीर में इतनी एनर्जी है, मुझे लगता है सुबह ऑमलेट पे नमक की जगह कोकेन छिड़क के खाता है। मुझे लगता है ये बंदा चाय में चीनी की जगह वाइब्रेनियम घोल के पीता है। ओसाका बैटरी की चलती फिरती प्रमोशन है ये। इस बंदे ने अपने ही घर को कुतखाना बना दिया, कोई 5-6 कार्टूनों के साथ दोस्ती करके उनको घर बैठा दिया और अक्सर उनके साथ व्लॉगिंग करता रहता है। समझ लो कि ये गरीबों का लो गंद पॉल है। अजब किस्म की हरकतें करता रहता है यार। इसने अपने कार्टूनों की तस्वीर बिलबोर्ड पे लगा दी। ओ भाई, जो चाय के बिल पे डिस्काउंट मांगते हैं उनका थोपड़ा बिलबोर्ड पे लगा दियो। भवूरा मी राजा जी, कभी ये भाव बड़ा पिज्जा बना देता है, कभी अपने दोस्त की सेटिंग करा देता है। अभी तो आप रुक जाओ, ये तो शुरुआत है। आगे आगे देखो इसके व्लॉगों के टाइटल क्या होंगे। हे गाइस, आई जस्ट सेट माय हाउस ऑन फायर। हाँ, आज का व्लॉग हो गया यार। वुल्फ क्रू, यू आर अमेजिंग। अच्छा यार, आज के व्लॉग का टाइटल क्या होना चाहिए? हैं हाशिर, रनिंग नेकेड इन अनारकली बाजार, पब्लिक रिएक्शन गॉन सेक्सुअल। व्हाट अप एवरीबॉडी, टुडे आई एम गोना टॉर्चर माय फ्रेंड फॉर इंफॉर्मेशन। इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ फन। ओजार काट इसका, ओजार काट। शावीर जाफरी वो वाला बच्चा है जिसको मना करोगे बेटा वो एक्सटेंशन है, उसमें उंगली मत डाले करंट लग जाएगा, तो ये उंगली गिली करके डाल देगा। अब आते हैं क्रिस बैट्समैन पे। इसकी मैं क्या लू, अवाम ने इसकी इतनी सुथरी ले ली है। क्रिस बैट्समैन तो 2007 के टुक टुक मिसबा निकले, उम्मीद है जगा दी, स्कोर पास लेके आ गए और घूम के टट्टी कर दी। क्रिस को देखते हुए मेरे मुंह से तो यही अल्फाज निकलते, साले जादा, मुझे तो पहले ही शक्ता देर पे। अब आएंगे हम हाशिर पे, इसका तुम हाशिर खराब कर देंगे, अब टेंशन न ले। शावीर और हाशिर की डील बहुत सिंपल थी भाई। शावीर गए हाशिर के पास और बोले, लिसन टू मी, अवाम को फनी कंटेंट चाहिए, फनी कंटेंट चाहिए। हम में से तो कोई फनी है नहीं, तो तुझे बलि का बकरा बनाएंगे, उसको और फनी करने के लिए हम जैद की हंसी के साउंड इफेक्ट डाल देंगे। लेकिन जू तुझे हम तपती धूप में नंगे पांव भगाए या तेरी तुन्नी में शहद डाल के कीड़िया छोड़ दे, तूने चू नहीं करनी, बस तुझे तेरे हफ्ते के 80 रुपए मिल जाएंगे। यानी कि हाशिर इनका दिहाड़ी पे रखा हुआ राजपाल यादव है। हाशिर भाई सेल्फ डिप्रिशिएटिंग ह्यूमर को इतना सीरियस लेके चले गए कि उनकी अपनी जिंदगी मजाक बनकर रह गई है। अब चलते फिरते पकड़ के कभी इसका दांत निकाल देते, कभी इसको मूतने नहीं देते और ये गाड़ी में तड़पते रहता है। भाई बचो इनसे, बचो, किसी दिन पकड़ के तुम्हारा सेक्स चेंज ऑपरेशन न करा दे। अब कभी तो ये अपने दोस्तों के ऊपर सांप रख देता है। What up everybody, today I'm gonna scare the shit out of my celebrity friend, जिससे मैं अभी 3 घंटे पहले मिला हूँ, तो आई गेस इतने फ्री तो हम हो ही गए होंगे कि मैं उसके कंधे के ऊपर पाइथन रख दूँ। Yeah, आ जाओ मजा आएगा। सांप के अंदर अगर हम घुस के देखें तो सांप भी ये सोचता होगा, साला ये भी कोई जिंदगी है, जंगल में होती थी जिंदगी हमारी, रोब होता था हमारा, अपना कमाते थे, अपने चूहे खाते थे, यहाँ तो इंसानों के पल्ले पड़ गए, किसी की भी शलवार में घुसेड़ने। अबे प्रैंक करने के लिए हूँ मैं इधर, अबे थूकता हूँ ऐसी जिंदगी पे मैं। आप अब आते हैं इस शख्स पे, इसका नाम है अजलान शाह। ये है गज्जू माता का टाइगर किंग। बड़ी खबर तो आपने सुनी नहीं है, नेट जियो वाले अजलान शाह को उठा के एक शो बना रहे। जी हाँ, उसका नाम है मैन वर्सेस माइल्ड, क्योंकि ये वाला इतना वाइल्ड नहीं जाता। अबे ये यूट्यूब का मोगली हर जानवर लेके आ जाता है, क्या सीन है भाई। शेर, गधा, घोड़ा, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, वाइब्रेटर सब इसके दोस्त हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इस वीडियो में शेर के साथ उंगल ले रहे हैं। अबे शेर, शेर जो जंगल का बादशाह है उसको आपने कोठे की तवायफ बना दिया। आइए अब शेर के अंदर की आवाज सुनते हैं। सुबह सुबह तुम लोग 2 मेगापिक्सल का कैमरा ऑन करके चुत्तर फैला के ऐसे वीडियो बना रहे हो, अरे शर्म करो, कुछ अच्छा काम करो, अच्छे वीडियो बनाओ। ये क्या है, मर्द के पुत्र बनो, मर्द की गल करो। अब क्या है कि इस
पे ज़्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन शाहिद चीसा बहुत है, चिकना बहुत है, तो जब भी कोई स्मैश मैरी किल खेलता है तो हर कोई शाहिद को स्मैश करता है, और नादर अली को हर कोई किल करता है, अब बचा मैरी, तो सीबीए को हर कोई मैरी करता है। अब सीबीए का क्या है कि अरसलान जो है वो तो नेशनल शोहर ऑफ पाकिस्तान है। शाहिद के लिए बच्चियों का क्रेज मैंने देखा है, मुझे समझ नहीं आती कि बॉडी बिल्कुल ऐसी फिर भी बच्चियों के लिए। भाई साहब जब ये पतीसा अवार्ड हुए थे ना तो हारमोनियम सईद के लिए भी इतनी चीखें नहीं आई थी लड़कियों की तरफ से जितनी शाहिद के लिए आ रही थी। अरे जज्बात में आके मैंने अपनी टी शर्ट उतार के गोल गोल घुमा के स्टेज की तरफ फेंक दी। वो टी शर्ट मुझे वैसे कभी नहीं मिली दोबारा, मुझे लगता है वो नूर जफर के लहंगे में आके इधर उधर हो गई कहीं। शाहिद की लाइफ इतनी हैप्पी लाइफ है, इतनी हैपनिंग लाइफ है कि बंदा उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। उसका रियलिटी से इतना ताल्लुक है जितना सेल्फ केयर प्रोडक्ट्स के एड्स का साइंटिफिक लॉजिक से। पोर्न और शाहिद के व्लॉग्स में एक ही चीज कॉमन है कि वो देखने में तो बहुत अच्छे लगते लेकिन वो सच्चाई से बहुत दूर है। शाहिद भैया कनाडा से पाकिस्तान आए हैं काम के लिए। मैं आपको यही कहना चाहूंगा ब्रो, आपके लिए तो कोई मसला ही नहीं है, यू आर सच ए गुड लुकिंग मैन, आप बस इंडस्ट्री के लोगों के साथ थोड़े ताल्लुक बना के रखो। आई होप यू लाइक द वीडियो, लेकिन अब आप बताएंगे कि हमारी छुरी तले नेक्स्ट आदमी कौन आना चाहिए। तब तक के लिए ये हमारे दोनों चैनल्स हैं भाई, ये दोनों चैनल्स कर दो सब्सक्राइब 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 सब्सक्राइब। सीन है ये बौरा में फ्लो मेरा चक्कर, समंदर करेंगे ये पार पे ना बोट के ब्रो मेरे बैठ कर, आगे जाएंगे पहाड़ों के बीच पे।